माइकल जैक्सन के पास कहते 12 डॉक्टर्स रहते थे 24 घंटे, उसकी चेकिंग होती थी दिन रात। अगर उसकी किडनी खराब हो जाए तो ऑलरेडी डोनर्स रेडी थे उसको किडनी देने के लिए, लीवर खराब हो जाए तो तैयार थे लोग लीवर देने के लिए, पहले से साइन किया हुआ था। क्या बचा पाए उसको? आप डॉक्टर के पास जाना आपके हाथ में, पर आपको उससे फायदा होगा कि नहीं ये परमेश्वर के हाथ में। परमेश्वर ने यह बताने की कोशिश की कि मैं तुम्हें नई आशीष तब तक नहीं दे सकता हूं जब तक तुम अपनी लाइफ को नया ना कर लो और ग्रहण करने योग्य ना बना लो। आज अगर फेवर, प्रभु की कृपा आपकी लाइफ के ऊपर नहीं है, आप जब वीजा लेने के लिए जाओगे आप गलत एजेंट के पास चले जाओगे, आप जब चर्च की जगह ढूंढने के लिए जाओगे आप गलत जगह चले जाओगे, आप अगर डॉक्टर के पास जाओगे तो गलत के पास चले जाओगे। और अगर उसका फेवर है सब कुछ राइट होगा आपकी लाइफ। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर ने कहा जब मेरी पहचान तुम में बढ़ेगी मेरा अनुग्रह तुम में बढ़ेगा, जब मेरी पहचान तुम में बढ़ेगी मेरी शांति तुम में बढ़ेगी, और जब अनुग्रह बढ़ेगा आपका दुश्मन चाहे कुछ भी कर ले आप अगले लेवल पे होंगे। आज आपकी डेस्टिनी चेंज कर रहा है खुदावन। आज इस वचन को सुनते हीलिंग आप पे उतर रही, ब्रेक थ्रू आप पे उतर रहा है। मैं आपको सिर्फ वर्ड देने के लिए नहीं आया हूं, मैं ये घोषणा करने के लिए आया हूं कि वो फेवर आपकी लाइफ के ऊपर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। जो लोगों ने आपको नीची हालत में देख लिया वो गवाही के लिए था, परमेश्वर का आत्मा कहता ऊपर जा रहे गवाही के साथ, आशीष के साथ। आमीन। अगर ऊंचा मैंने कहा ये आशीष आपके। हालेलुया।